जो यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है ये एशिया फाउंडेशन उनका अपना एक प्रोग्राम है बुक्स फॉर एशिया, उनकी ताउन से हो रही है और उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वात एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से है, इनके साथ पार्टनरशिप है, किताबें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं। ये तकरीबन कुछ मेरे ख्याल में कुछ 4 मिलियन के करीब मालियत की किताबें हैं और हमने ये तकरीबन 100 स्कूलों को प्रोवाइड करने हैं, तो किताबें वो प्रोवाइड कर रही हैं और अभी हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बाद हम ये किताबें जो है ना मुख्तलिफ स्कूलों को पहुंचाएंगे। स्टूडेंट्स और बुक के दरमियान जो गैप पैदा हुआ है हम चाहते हैं कि उस गैप को कम करें, क्योंकि इंटरनेट में बेशक आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी लेकिन किताब से जो पैदा स्टूडेंट्स होता है वो इंटरनेट से नहीं होता। किताबों की नुमाइश का मकसद इल्म की तरवीज के अलावा क्या हो सकता है? और दूसरा मकसद इसका ये है कि पाकिस्तान में अच्छी किताबों की बहुत कमी है, लोग अब टीवी को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छी किताबें बनती भी कम हैं और ये बहुत खुशकिस्मती है स्कूल की कि इतनी अच्छी किताबें यहाँ आई हैं। अगर यहाँ तमाम लोग आके ये किताबें देखें, विजन उनका जो है वो बुलंद होगा और इन किताबों के ज़रिए वो बहुत कुछ सीखेंगे, एजुकेशनल प्लानिंग में इन किताबों का बहुत दखल है। ये नुमाइश स्वात एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ने द एशिया फाउंडेशन बुक्स प्रोविजन प्रोग्राम के ताउन से अरेंज किया है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि स्वात ने गुज़िश्ता कई सालों से आपने देखा होगा कि स्वात में दहशतगर्दी और ये इस सैलाब से मुतासर इलाका है तो उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है इस इलाके के तालीमी इदारों को, जिसका असर डायरेक्ट तलबा पर पड़ गया है और तलबा तालीमी माहौल से खट के रह गई हैं। तो हमने एक तालीमी माहौल फराहम किया है जिसमें तलबा और तालिबात जो है उसको इनवाइट किया है, इसके साथ साथ असातिज़े किराम साहिबान को, प्रिंसिपल हजरात को, स्कूल्स के डायरेक्टर साहिबान को, सबको इनवाइट किया है कि वह आके देख ले, अपने स्कूल के तलबा तालिबात को यहाँ भेजे, अपने असातिज़े किराम को यहाँ भेजे ताकि वह ये तालीमी माहौल देख के दोबारा तालीम की तरफ आ जाए, दोबारा किताब पढ़ने की तरफ आ जाए, दोबारा उनका जो शौक है तालीम से वह उभर जाए। किताबों की मुझे बहुत शौक है किताबें पढ़ने का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल वाले हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे लिए इतने सारे बुक्स यहाँ पर इकट्ठे किए हैं जिससे हमें बहुत सारे हमारे नॉलेज में इजाफा हो सकता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुद ही भी मैं ऊपर गई थी और बहुत सारे बुक्स पढ़े और बहुत सारे देखे भी, तो उनमें से बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने यहाँ पर शिरकत की और यहाँ पर हमारे स्कूल में ये कैसे एग्जीबिशन हो रहा है कि यहाँ पर बहुत से बुक्स आए हैं और सब हम जो है वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इनमें से बहुत से अच्छे अच्छे बुक्स हैं जिसमें से हमें बहुत सी नॉलेज हासिल हो सकती है और हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट, हम सब बहुत शौक से यहाँ से बुक्स देख रहे हैं यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर मैंने अमेरिकन हेल्थ की किताब बहुत पढ़ी और बहुत अच्छी लगी मुझे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे स्कूल में नुमाइश हो रहा है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो किताब है ये बहुत अच्छी है और इधर बहुत से बहुत अच्छी किताबें हैं, हमने पढ़ी भी है और मैंने नर्चर ऑफ डेथ किताब बहुत पढ़ा और लोगों को भी चाहिए कि इधर आए और पढ़ा और किताबें पढ़ें। मुख्तलिफ तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने किताबों की इस नुमाइश को बहुत सराहा और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की सरगर्मियों से न सिर्फ मुआशरे पर अच्छे असरात मुरतब होंगे बल्कि कशीदगी के दौरान तालीमी शोबे को मिलने वाले नुकसान का अजाला हो सकेगा। किताब पढ़ने का रुझान हमारे सोसाइटी से रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता जा रहा है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ अरेंज करना माशरे के लिए बहुत मुफीद है, स्पेशली स्कूलों में और कॉलेजों में जो लाइब्रेरियाँ होती है उसके लिए इस किस्म की किताब है जिसमें काफ़ी इल्मी किताब है, स्कूलिंग के हवाले से है, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से है, तो ये काफ़ी मुफीद है और इससे इस्तेफादा हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। स्वात जिस तरह दहशतगर्दी से गुजरा है, यहाँ पर बहुत ख़तरनाक किस्म की मिलिटेंसी थी और अब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर फौज मौजूद है और यहाँ पर एक बंदूक का कल्चर रहा है पिछले 5-6 सालों से और हम किताब को भूल चुके हैं। तो इस किस्म का जो मेला है जो आज आपने देखा, किताबों का मेला, किताबों की नुमाइश, हम चाहते हैं, सीड चाहता है कि हम उस इन्वायरमेंट को, उस तालीमी माहौल को बहाल करें जो हम खो चुके थे
اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بک مائنڈڈ ہو، یعنی وہ کتابوں سے محبت کرے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 سال سے سوات میں دہشت گردی کا راج رہا ہے اور کتاب سے لوگ بہت دور چلے گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہم پر دہشت گردوں کا اور دوسرے مذہبی انتہا پسندوں کا یعنی غلبہ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی نمائشیں جتنی زیادہ ہو منعقد ہو جائے تو یہ ہمارے قوم کے لیے، ہمارے آئندہ نسل کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہاں پر اسلحے کی اور بموں کی اس کی نمائش تو بہت زیادہ ہو گئی، لیکن کتاب سے لوگ بہت دور چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے یہی لوگ جو ہے ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہ نمائش جو ہے یہ ایک وہ بلیسنگ ان ڈسگائز جسے کہتے ہیں نا، ایک چھپی ہوئی رحمت ان لوگوں کے لیے ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کتاب کا کلچر جو ہے اس سے اس سوات میں زیادہ ہوگا، تو یہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین اور اچھا نیک فال ہوگا۔ آج کل کی ترقی یافتہ دور میں جدید سہولیات کی آمد سے جہاں ایک طرف کتاب کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، تو وہاں دوسری طرف اس قسم کی سرگرمیوں سے لوگوں میں کتاب بینی کا ذوق بڑھ رہا ہے۔ کیمرہ مین حضرت علی کے ساتھ عدنان باچا، زماسوات.com، ننگورہ، سوات۔